हेलो दोस्तों, आप अगर डिस्टीवी का कस्टमर हो, डिस्टीवी का जो रिचार्ज है आप ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म से करते होंगे, तो ऐसे में आप डिस्टीवी का जो मोबाइल ऐप है माई डिस्टीवी, उसे इस्तेमाल करके भी डिस्टीवी का रिचार्ज करवा सकते हैं। डिस्टीवी का सारे अकाउंट डिटेल्स एक साथ लेते हुए आप डिस्टीवी का रिचार्ज भी इस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं डिस्टीवी का मोबाइल ऐप के द्वारा आप कैसे डिस्टीवी को रिचार्ज करते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और स्वागत है आपको डिजी वर्क लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम अपना मोबाइल में जाएंगे और जो डिस्टीवी माई डिस्टीवी ऐप है उसे ओपन करके उसमें लॉग इन होकर आपको रिचार्ज करके दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम अपना मोबाइल पे आ गया है। यहाँ पे माई डिस्टीवी जो मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेंगे। आप अगर उसे इंस्टॉल नहीं किया, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। माई डिस्टीवी ऐप को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपका जो VC नंबर या मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आप लोग पूछेंगे पासवर्ड कौन सा डाले। देखिए, पासवर्ड जनरेट करने के लिए आपको पहले रजिस्टर में क्लिक करना होगा। ये रजिस्टर में क्लिक करके यहाँ से आगे प्रोसेस करेगा तो आपको पासवर्ड बनाने का मौका मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र हूँ, इसलिए यहाँ पे मेरा जो VC नंबर या जो मोबाइल नंबर है डिस्टीवी के साथ जो रजिस्टर्ड है वो डालेंगे और मेरा पासवर्ड डाल के सबमिट करेंगे। अभी जो मेरा मोबाइल नंबर है जो डिस्टीवी के साथ रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे डाल चुका हूँ और मेरा पासवर्ड भी डाल दिया हूँ। अभी हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको अपना डिस्टीवी का अकाउंट में लेके चलेगा। अभी हम अपना डिस्टीवी का अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। अभी इसे ये सब ओके गॉट इट कर दीजिए तभी ये हट जाएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिचार्ज नाउ और आपका जो बैलेंस है आपका नाम का अगेंस्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड, अगर आपको दूसरा किसी लोगों का VC नंबर को रिचार्ज करना है तो रिचार्ज फॉर ए फ्रेंड ये ऑप्शन में क्लिक करना होगा, और नहीं तो रिचार्ज नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा जो अपना रिचार्ज करना है। तो रिचार्ज नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास अगर कोई ऑफर है, ऑफर में ऑफर दिखाई देगा। आप देखना चाहते हैं यहाँ पे रिसेंट पेमेंट वो भी दिखाई देगा, और अकाउंट स्टेटमेंट भी चाहते हैं तो यहाँ पे दिखाई देगा। जो यहाँ पे 254 रुपीज़ दिखाई दे रहा है ये मेरा पूरा महीने का पैकेज है। आप एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा, डिस्टीवी में ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरा पैक डालना ही पड़ेगा। आप अगर 10 रुपया भी डालेंगे तो भी आपका पैक में ये ऐड हो जाएगा, आपका अकाउंट में ये ऐड हो जाएगा, और 10 रुपये का जितना दिन आपको चलेगा उतना दिन आपका पैकेज का वैलिडिटी बढ़ जाएगा। तो मुझे 6 दिन के लिए अभी रिचार्ज करना है, क्योंकि मैं घर से बाहर रहूँगा 6 दिन के बाद, इसलिए 6 दिन के लिए मेरे को रिचार्ज करना है। टोटल 254 है तो करीबन 9 रुपया पर डे पड़ते हैं, तो इसलिए मैं 54 रुपीज़ का यहाँ पर रिचार्ज करूँगा। तो 54 डाल दिया हूँ, फिर प्रोसीड टू पे कर देता हूँ। प्रोसीड टू पे करने के बाद आप यहाँ पे एक कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं, किसी वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। मैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन को चूज़ करूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा। ये बता रहा है आपका जो डिस्टीवी है उसका स्मूथ एडमिशन के लिए 96 नंबर चैनल को लगा के 15 मिनट रख लीजिए, फिर ओके में क्लिक कर दीजिए। ओके में क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट ऑप्शन है वहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, भीम UPI, ये सब चीज़ों में जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं वो चूज़ करना होगा। हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहता हूँ इसलिए नेट बैंकिंग चूज़ करूँगा। तो नेट बैंकिंग चूज़ करने के बाद यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कौन सा बैंक का नेट बैंकिंग से पैसा पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम ICICI बैंक का सिलेक्ट करूँगा।
तो ICICI बैंक का सिलेक्ट करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा ICICI बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का पेज है तो वहाँ पे रिडायरेक्ट करेगा और यहाँ पे आपको लॉगिन होके पेमेंट कर देना होगा। अभी मैं ये पेमेंट कर लेता हूँ, फिर वीडियो को स्किप कर देता हूँ थोड़ा सा। अभी आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो गया है और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके पास ये मैसेज आ रखा है, ठीक है। देखिए, थैंक यू फॉर रिसाइजिंग योर आईडी इज़ ये जो आईडी है, आईडी नंबर है, आप को ही रख सकते हैं लिख के, नहीं भी तो है आपका मेल में मैसेज आ जाएगा या तो मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको फीडबैक देने के लिए बोल रहा है तो छोड़ दीजिए इसे, फिर हम होम पेज में आएंगे। देखिए यहाँ पे 34 रुपीज़ था, अभी 88 रुपीज़ हो गया है और मेरा स्विच ऑफ डेट 22 अक्टूबर 20 तक हो गया है जो कि 15 अक्टूबर को था। तो इसी तरीके से आप डिश टीवी मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके डिश टीवी को रिचार्ज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे। कैसे आप डिश टीवी का मोबाइल ऐप को इस्तेमाल करके डिश टीवी का रिचार्ज करते हैं उसके बारे में पता लग गया होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाजत दीजिए, नमस्कार।